कांवड़ यात्रा सावन मास के साथ शुरू हो चुकी है। हर साल लाखों की संख्या में कांवड़िया हरिद्वार आते हैं और गंगा जल लेकर जाकर अपने क्षेत्र के शिवालयों में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। ऐसे में यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। सावन में कांवड़ यात्रा को लेकर नगर विकास विभाग के साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने भी तैयारियां पूरी कर ली है। कांवड़ियों के स्वास्थ्य के मद्देनजर राजधानी लखनऊ में जगह जगह एम्बुलेंस भी तैनात रहेंगे। इसके साथ ही दवा देने वाली गाड़ियां भी जगह जगह खड़ी रहेंगी ताकि कांवड़ियों को कोई भी समस्या ना होने पाए। इसके अलावा कांवड़ यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। राजधानी लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग का 108 एम्बुलेंस एक्शन प्लान जारी हो गया है। इसके अलावा हेल्थ पोस्ट का मैप भी शेयर किया गया है ताकि कांवड़ियों को अस्पताल पहुंचने में दिक्कत ना हो। इसके साथ ही कांवड़ियों की सुविधा के लिए लखनऊ अयोध्या रोड और बीबीडी कॉलेज पर एक एक एम्बुलेंस खड़ी रहेगी। इसके साथ ही पॉलिटेक्निक चौराहे पर भी 2 एम्बुलेंस मौजूद रहेंगी। वहीं नादवगंज में 2 सीएचसी, सरोजनी नगर में 3 एम्बुलेंस खड़ी रहेंगी। एम्बुलेंस के साथ ही दवा देने वाली गाड़ी भी मौजूद रहेगी।